अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जा रहे हैं हम लोग एक फंक्शन में। किधर जा रहे हैं? उरला ना, है ना? ए कार्तिक पे आगे पढ़ो ना जरा खाए बोलो। और हम लोग जो फंक्शन में जा रहे हैं वो फंक्शन है डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन अवार्ड नाइट। 30 अक्टूबर का जो आज अवार्ड था उसमें हम लोग जा रहे हैं अभी साकिब के। और ये फंक्शन है किधर किधर है? मैंने एक नंबर है मुलुंड। मुलुंड मुलुंड में तो उधर जा रहे हैं। माटुंगा ईस्ट। हाँ माटुंगा में, सॉरी माटुंगा में है तो वहाँ पे जा रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद मैंने कपड़ा पहनते वेस्टर्न कपड़ा पहने। और बहुत दिनों के बाद मैंने आज बाल भी खुला रखी हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत दिनों से खुले भी नहीं थे और मैं केयर करती नहीं तो थोड़े डैमेज हो गए थे। बड़े दिख रहे हैं ना सोफा? हाँ। और भले भरे भी दिख रहे हैं मेरे बाल। तो आज मैंने पहने भी किया था आउटफिट वेस्टर्न वेस्टर्न। बटन थोड़ा को भी बोले थे हम लोग ने पहनने। अगर ऐसा लग रहा है मेरे को जीन्स और टी शर्ट बताना जरूर। मेरे को छोटा टी शर्ट पसंद नहीं है। अगर इससे लंबा लंबा भी टी शर्ट मिले तो मैं भी वो जीन्स पे पहनूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट टी शर्ट जरा भी पसंद नहीं है। पहनती तो खुद ही मैं हंस लेती हूँ। मेरे को शर्म आती है बाहर जाने को पहन के, अच्छा नहीं लगता है ना क्योंकि उम्र के हिसाब से अभी तो आप लोग को पता ही है। शुरू क्या शुरू है, बुढ़े हो गए तो हो गए है कि नहीं? हर बात तक आई है लोग बोलते हैं झगड़े अच्छा आप लोग कमेंट में जरूर भी ये बात का फैसला करना हो रहा। एक बात बताओ इंसान चलो ठीक है बूढ़ा हो रहा है ठीक है, मगर जिस दिन अपने आपको इंसान ने बूढ़ा मान लिया थकान हो गई थक गया तो दिन अपनी कहानी खत्म। अरे इंसान थकता नहीं है क्या? अरे अगर इंसान मान लिए कि अपन ने बुड्ढे हो गए थक गए तो फिर अपनी कहानी खत्म है। और बड़े बड़े बच्चे जब तक अल्लाह ने हाथ पैर में ताकत दिया हिम्मत दी है बहू आ गई दामाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पे अपन। अरे तो बुड्ढे तो होंगे नहीं क्या? मतलब खाला ऐसा बोला जब तक वो बेड पे नहीं रहे तो वो बुड्ढे नहीं रहे। लेकिन मैं अपने आप को बुड्ढी मानती हूँ कि मैं हूँ अरे मानते हम लोग बच्चे लोग की कम उम्र में शादी है लेकिन जो है तो वो है ना। ये बुढ़ापे की जवानी, अम्मी क्या बोलते हैं? बुढ़ापे की जवानी, बुढ़ापे की जवानी। हाँ ये हमारी मम्मी ना वो बोलते हैं मम्मी वो आ रहे हैं वो हो रहा है ना अंकल उसको देने का 40,000 बुढ़ापे की मेरे यहाँ लाले का तो पता नहीं लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैंने मिर्ची मिर्ची ये शेर जो मेरे ब्रेसलेट में शेर है ये शेर अरे बंदूक गोली पे गली चलेगी गोली बंदूक चलेगी तेरे बंदूक चलेगी मस्ती तो चाहिए। और ये पेंडल शेर वाला ये शेरनी वो तो मैं अपने आपको शेरनी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना अल्हम्दुलिल्लाह तो है। चलो हमारी बटाटा बना लो कब कब आते क्या मालूम। सोफी बनाई एक ड्रेस कुछ अच्छी डायलॉग पड़ेगा। अभी हम लोग बैठ गए गाड़ी में और आज गाड़ी कौन चला रहा है बताओ? ए छोकरी लोग बताओ आज गाड़ी कौन चला रहा है? आज हमारी पठान चला रहा है। पठान देखो बहुत दिन के बाद ड्राइव कर रहे हैं। हां आज बहुत दिनों के बाद गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक भी बहुत है। चेकना का भी इसके लिए बोल रही थी वहां से लेने को मुझे मालूम है चेकना का ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा ही कुछ क्या बोल रहे। अरे अभी दिवाली की ट्रैफिक तो बाप रे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रही है ट्रैफिक। अभी ये दिवाली की छुट्टी है ना और भी ट्रैफिक। हाँ जिसने बोले थे जींस पहने लेकिन मैंने नहीं पहने। और आज मेरी नाक की देखो इसमें नाम लिखा है कुलसुम लिखा है कुलसुम। अब इसमें और थोड़ी बड़ी बनाऊंगी नाक की। मैंने नहीं पहनी छोटी तो इसलिए तुम जींस पहनते ही नहीं तो मैं पहनती ही नहीं। और जा रहे अभी जा रहे फंक्शन में तो अभी कुछ दिख गए थे पहचान वाले थोड़ा लोग से बात कर रही थी और ट्रैफिक माशाल्लाह और आज का मेकअप मैंने करी हूँ कैसा लग रहा है बताना सिंपल और सोबर। और देखो ये ट्रैफिक तो देखो ट्रैफिक बहुत अच्छा मेकअप करती है कुलसुम उसको मेकअप मैन की जरूरत नहीं पड़ती है खुद ही अच्छा करती है माशाल्लाह। आना भी चाहिए मेरे को पहले मेरे हाथ से मेकअप अच्छा लगता था मेकअप मैन लोग का नहीं अच्छा लगता था लेकिन मेरे बर्थडे में लेकिन उसको टाइम नहीं ना तो मैं मेकअप कराती थी क्या बोले अरे मेरे बर्थडे में ना टाइम नहीं कुलसुम को नहीं तो मैं कुलसुम से ही मेकअप कराती नहीं इतनी अच्छी मेकअप मैन नहीं। अरे
साइकिल पे थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूं। अच्छा करती है एकदम मस्त वाला मेकअप कर रही हूं। पहुंच गए जहाँ पे आना था, देखो आए रुक सर भी है। आप पता है ना अभी हमारे साथ में भी हो जाएगा ऑटो पे बस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी लाडली बहनें मिल जाती है। सही बात। और इस बहाने हम बिल्कुल और मैं तुम लोगों में खास करके देखो मैं हालांकि मेरी 250 फिल्में हैं मैंने नहीं देखी मगर तुम लोगों का वीडियो देखता हूँ। तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ मेरे पोते के गाने तुम लोग जरूर सुनते हो बाला और बाला शेर नमस्ते मशहूर हस्ती आपके सामने आ रही है। मैं बहुत बड़े मेहमान हमारे पास आ रहे हैं अमित शेर साहब हमारे बीच तस्वीर मुझे डायरेक्टर साहब आ गए हैं पीछे कुलसुम जी भी आ गई हैं और मैडम बॉलीवुड में 25 सालों से जो राज करते चले आए हमारे दिलों पे राज करते हैं दिलीप सैयद साहब यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सबका सभी से हम इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियां हमारे सर के लिए म्यूजिक ग्रेट म्यूजिक कंपोजर सना जी भी आ गई है बहुत सारे कलाकार आ गए हैं दिलीप सैयद साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। नामवर हस्ती बॉलीवुड की नामवर हस्तियों में शुमार होता है जिनका नाम वो आज हमारे साथ मंच के ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आप आए हम लोग से स्वागत कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब के बुलाने पर आज आप सब लोग तशरीफ लाए हैं मैं समीर सेन जी का सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आए। क्या बात है आज पूरी इंडस्ट्री उमड़ पड़ी है स्टेज पर और सभी एक से बढ़कर एक कलाकार हैं प्लीज ओके यस ओके बहुत खुशी की बात है साकिर साहब और दिव्य शॉल ला रहे हैं कुसुम जी को मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां दीजिए प्लीज क्लैप देना बहुत जरूरी है ये हमारे लिए खास आए हैं जितनी दूर से समीर सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ले पीछे से हेलो बाय एक सेकंड बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर कंपोजर दिलीप सिंह साहब हमारे साथ हैं मंच पे ये 22 से फख्र है हमारी टीम के लिए डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारी जरा सी रिक्वेस्ट करने पे सर अपने दिन के वक्त दिया हमें आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम।
Yes, okay. Yes, 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 yes. Okay. सब लोग पकड़ो, इधर देखो। अरे दादा, समाज में जो बड़े बड़े काम करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, उनको आज यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में अवार्ड दिया जाएगा। और इस मुबारक मौके पे शाकिर द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर ऑफ लास्ट 30 इयर्स ही हैज बीन रूलिंग इन अ बॉलीवुड, और आज इस महफिल में शमा घर हुए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहे हैं कि DMPM डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन। जय महाकाल, सबको हैप्पी दिवाली। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे जो साकिब कुरैशी साहब ने जो इतना, अरे यार तुम, मैं हमेशा तेरे को शाहरुख खान ही समझता हूँ, और मैं कभी किसी का नाम आज तक ही लिया ही नहीं, तो इनको मैं ये बधाई देना चाहूंगा कि जब इनका मैसेज आया मेरे पास तो मैंने तुमको याद दिलाया, तो मुझे याद दिला दो तुम। अल्लाह बेहतर जानता है कि पहला ऐसा प्रोग्राम है कि मैंने सामने से इसको फोन करके और मैंने बोला भाई मुझे तू आने का बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है। मैं इसके प्यार से इसलिए आया क्योंकि इतने कम छोटी उम्र में इसने इतनी तरक्की पाई आप लोगों की दुआ की वजह से, और हम जैसे कलाकारों को, ये हमारे पठान साहब को और हमारी आपा को और हम सबों को जो इसने बुलाया प्यार से, आप जैसे महान हस्तियों को बुलाया, तो मैं इसके लिए एक मेरा प्यारा सा हमेशा जो सबके लिए गाना गाता हूँ वही गाना चाहूंगा। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, शिखर आई लव यू लव मी जानम आई लव यू लव मी। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को और सक्सेस बनाए, हम लोग ज्यादा भाषण नहीं देंगे, गाना सुनेंगे, आप एक दो शब्द बोलो। अस्सलामुअलैकुम, तो साकिर भाई आज हम लोग अवार्ड फंक्शन में बुलाए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साकिर भाई, और बहुत बार बुलाए थे हम लोग को, आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अभी आए और साकिर भाई के जगह प्रोग्राम देखे बहुत अच्छा लगा, और दुआ करते कि अल्लाह हमारे साकिर कुरैशी को ऐसे आगे बढ़ाए, है ना। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में हमारे साकिर भाई इतने आगे बढ़े हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारी कौम आगे बढ़ना भी चाहिए, है ना। और यहाँ पे यतीम खाने के जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, साकिर भाई ने उनका हौसला बढ़ाया इसके लिए बहुत अच्छा लगा, है ना। ए बच्चा पार्टी, और ऐसे ही बच्चे लोग का हौसला बढ़ाना भी चाहिए, ताकि बच्चे लोग को भी दुनियादारी दिखना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। यस ना बच्चा पार्टी, बड़े होके अपने कौम का नाम कमाना, अपने माँ बाप का नाम कमाना, है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई जो आपने हमको बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, ये शाकिर भाई के लिए एक शेर हमारी तरफ से। कर्म करो सितम करो हम गिला नहीं करते, कर्म करो सितम करो हम गिला नहीं करते, फिजा में फूल यकीनन खिला नहीं करते, मिला दो खाक में मगर ख्याल रहे, हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। तुझको सांझ सवेरे
India. हेलो जी, हाय दोस्तों, उस कलाकार को यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिस कलाकार को आपने और दूसरा कोई अवार्ड है, फटाफट आ जाओ, नाम बोलो, नाम शब्दम पठान जी को जोरदार तालियों के साथ एक अवार्ड दिया जा रहा है, जोरदार तालियां हो गए आपके। यह कहा वैसे तो राजीव भाई ने जो कहा ना कि मेरी माँ बीमार है, बिस्तर पर है, मगर वो नहीं जानती कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मगर सबना पापा क्या कर रही है, पल पल की रिपोर्ट उनको होती है। ये हाल इनका नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के घरों का भी हुआ है। तो मैं शाकिर भाई आपसे एक सवाल ये ले लूंगा कि जिस तरीके से थर्ड एनिवर्सरी आप मना रहे हो और हाजी भाई हर एनिवर्सरी में आते हैं और आपका तो कंपलसरी है, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र शायद पहली बार आया है, तो क्या कहना चाहोगे आज इतना बड़ा सेलिब्रेशन आपने किया उसके लिए? सबसे पहले तो मैं हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हाजी साहब ने इतने बिजी शेड्यूल में और हाजी साहब की तबीयत भी नहीं ठीक थी, बट वो आए, मेरे को बहुत खुशी हुई। कुलसुम आम्बा और शबनम पठान काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पर, सही दिल से उन सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं कि वो सब आए, और यहाँ पर साथ ही साथ यतीम खाने के बच्चे, जो मदरसे के बच्चे भी आए हुए हैं, 60 बच्चे हैं जिनको हम सरकार सलामती पीर सरकार के नाम से बच्चों को अभी तोहफा दिया जाएगा हाजी साहब के हाथ से। सबसे बड़ा मेरे को खुशी ये कि बच्चे मासूम यहाँ पर आए, अब इनको गिफ्ट दिया जाएगा, ये जो मेरा मकसद था पूरा हो गया, हाजी साहब आ गए, बच्चे आ गए और हमारे मेहमान भी आ गए, तो मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी मेरे शो में आए, डिजिटल मीडिया प्रेस एसोसिएशन, थैंक यू। चलिए, जिस तरीके से शाकिर कुरैशी ने बात की सारी आवाज़ों के
अस्सलाम वालेकुम। आज साकिब भाई ने जो प्रोग्राम रखे थे अवार्ड फंक्शन, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रखे थे। काफी तादाद में पब्लिक आई और जो गरीब यतीम खाने के बच्चे थे उन लोगों को बुला के बहुत अच्छा काम करे। और हमारे हाजी अरफत भाई भी आए थे और जो यतीम बच्चे आए थे उनको सबको तोहफे दे दिए गए। अवार्ड ये सब तो एक जगह पे जो यतीम बच्चों को जो तोहफे दिए वो बहुत अच्छा काम करे और यतीम बच्चों को खुशी भी मिली। हाँ, बहुत नाचे भी और लोग एंजॉय भी किए बहुत। और हर 6 महीने में कुछ ना कुछ हमारे साकिब भाई करेंगे, अजमेर लेके जाएंगे यतीम बच्चों को, रिसोर्ट में लेके जाएंगे, उनकी खुशी के लिए जितना भी हो सकेगा हमारे भाई करेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब साथ में तो है ही और इंशाल्लाह रहेंगे। ऐसे काम में आगे रहना चाहिए ना भाई। और अल्लाह हमारे साकिब भाई को इसी ताकत दे, आमीन आमीन आमीन, जो छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो सोचो कि आगे और कितने बड़े बड़े काम करेंगे, कितने लोग की हेल्प करेंगे। जब भी हमारी जरूरत लगेगी तो इंशाल्लाह हम लोग आधी रात को भी आएंगे। पूरा हमारी टीम है, पूरी हमारी KGN महिला मंडल टीम है। और ये तो मंडल कम थोड़ी है, मजबूती है। और माशाल्लाह जैसा साकिब भाई काम कर रहे ना, मतलब हम लोग तो वीडियो देखते अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और मैंने भी बहुत सारा ऐसा साकिब भाई से काम करा है, किसके दवा खाने का है, किसी क्या हेल्प है क्या नहीं। तो साकिब भाई आधी रात को भी फोन उठाते हैं काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए, मेरी शान बढ़ाए मेरे प्रोग्राम में आके। और दोस्तों हर साल इसी तरीके से जो अवार्ड शो होता है, ये 3rd एनिवर्सरी की, और इसी तरीके से बच्चों को इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में और इससे बड़े लेवल पर करेंगे। और मैं सभी का शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब मेरे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच। आप लोग भी आए शान बढ़ाए, काफी दूर से आप लोग मीरा रोड से आए दोस्तों, मीरा रोड से आने जाने में डेढ़ दो घंटा आने जाने में लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले आए, और सबसे काफी टाइम से आए, और आप लोगों ने काफी कॉपरेट करा, काफी टाइम तक हमारे शो में रहे, स्टार्ट टू एंड रहे आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे भाई का प्रोग्राम था ना, थैंक यू। कंधे से कंधे मिला के चलना भी पड़ेगा ना, हमारा भाई आगे बढ़े, हमको इससे ज्यादा खुशी क्या होगा। आमीन आमीन आपा, थैंक यू सो मच। मैं भी आऊंगी ना, मैं भी आ रहा हूँ सुल्तान हम लोग को काट दिए पहले ले लो पंजू का। तो ये है साकिब भाई, जिसका भी मैं आपको बता रही थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम रखे, इतने अच्छे बुलाए बुलाए और फुटबॉल सिखाना, हम लोग मतलब बहुत सी तो चीज़ हम लोग को मालूम पड़ी जो हमारे वीडियो से लोगों तक पहुँचेगी। तो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे साकिब को ऐसे आगे बढ़ाए। और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे साकिब भाई, जैसे न्यूज़ में है कोई गरीब लोग की हेल्प करना है, इसके भी हॉस्पिटल का तो मुझे भी बीच में काम पड़ा था, तो मुझे साकिब और हमारे तरफ से आप लोग के लिए छोटी सी गिफ्ट। थैंक यू भाई, लाइए लेडीज आइटम है, समझ लो कुछ तो डाउट हो रहा है और सब कुछ चेक करना है, फॉलो भी करना है, ऑर्डर भी देना है, इंशाल्लाह आईडी है ना सर, आईडी इस पे ही है ना। जय महाराष्ट्र। आज लब्बैक टीम जो है मेरे साथ में है और हमारी सब बहनें भी मेरे साथ में है। ये टीम जो है हमारी शकील सर जो है 350 बच्चों को पूरे मुंबई में बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं और बहुत ही प्राइड का काम करते हैं माशाल्लाह, और अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। आज यहाँ पर साकिब भाई से इनको बुलाया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ और हमारी सब बहनों का भी शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पर स्टेज तक लाया और लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का मौका दिया। लब्बैक टीम है ना, रजिस्टर्ड टीम है और ऐसे सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है जो गवर्नमेंट को जो है सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। लब्बैक का सर की बहुत बड़ी खिदमत है, माशाल्लाह शकील अंसारी साहब ऐसे खिदमत देते हैं जो गवर्नमेंट में बच्चे जॉब पे लगने तक के उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है जो बच्चे स्टूडेंट से जो है स्टार्टअप लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का आपको मदद होना बहुत जरूरी है। जो 350 बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे और सही बात और उनको जॉब दिलाने के लिए उनकी जिम्मेदारी रहती है, और ये है कॉटन ग्रीन, है ना, हाँ जिस बताओ भाई है कॉटन ग्रीन काला चौकी में, मैं रहता हूँ मदनपुरी में, जहाँ पे ये फुटबॉल सिखाते हैं कॉटन ग्रीन काला चौकी रास्ता करें।
मेरा नाम शाहिद कुरैशी है, लब्बैक टीम का मैं भी एक जिम्मेदार हूँ। मेरा नंबर है 9769276747। जिसे भी फुटबॉल सीखना है, साउथ बॉम्बे में आना है, तो वो हमसे रब्ता करें। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है, आज अच्छे अच्छे लोग को बुलाए, उनका अच्छा प्रोग्राम करें, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग हर बार ऐसे प्रोग्राम करते रहो, ऐसे लोग को बुलाए। अभी देखो, अगर हम लोग वीडियो बना के डालते हैं तो कोई ना कोई इनके जरिए से जाएगा, फिर उसे बताएंगे। उसको नहीं मालूम आज कोई चीज की, तो साकिब भाई के जरिए से मालूम पड़ रही है। साकिब भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग को बुलाए। 350 लोग को जॉब देती है या सर्टिफिकेट पे। मेरे को आपको लोग से बहुत अच्छा लगा मिल के, भाई ने भी लोग की दिया। हाँ ले रहा चालू। अच्छा, इनका हो जाएगा तो नौसाद फिर भाई दूसरा दूसरा लो। नौसाद आ जा, नौसाद आ। दो मिनट एक सेकंड भाई। नीचे जाएगा बराबर है, लेकिन मोबाइल आगे आ जाएगा। रुक जा यहाँ पे खड़ा हो, मैं उधर से लेता हूँ। यस ओके। डिसिप्लिन में, एकदम डिसिप्लिन में, एकदम ऐसे खामोशी के साथ आवाज ना करें। ऐसे ऐसे आप लाइन से खड़े हो, एक लाइन था, ये लाइन से खड़े हो, ये लाइन से पहले लाइन से। पापा जी हाथ तो ऊपर करो यार, क्या यार, नीचे नीचे। अरे हेमा वाले नहीं बोलना, हेमा वाले नहीं, नाम तुर्कीज पॉप में, तुर्कीज फंक्शन रेस्टोरेंट, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान। अरे हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, मालूम है ना सबको। तो ये मेरा बटाटा वड़ा है, मेरी पठान, और ये है तुर्की, जंक्शन है जंक्शन। और लाले को लगी है बहुत जोर में भूख, ये टेबल बड़ा है। अरे आज की पार्टी सिंगाना की तरफ से, आज की पार्टी हेमा मालिनी की तरफ। बकरा नहीं है, मेंगनी है, छोटी सी मेंगनी है। अब आप और बताती हूँ मैं आपको, चलो। मैं हम लोग तो रोज निकालते रहते। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं, मैं नहीं उतारा। आज की पार्टी किसकी तरफ है? ठेसा खिला रहे, कितनी बड़ी होटल में लेके आई है। सही है, बहुत जोर से लगी है मुझे भूख। गाड़ी का टोकन है, लाले मस्ती करिए। अरे
गए, फिसल गए वो भी अभी क्या हुआ बता जरा क्या हुआ। अरे मोबाइल तो नीचे रख दिए, शादी था तो निकाल कर ना पड़ेगा। क्या हुआ अभी वो बता। लाले गिर गए वीडियो पर, पीछे इधर से देखो दिखाई नहीं मेरे को, लगे बॉक्स इधर बाजू में पता नहीं। ए देखो बेटे बॉक्स ऊपर ही गिरी। और हम लोग बैठे इधर कौन से होटल में बैठे थे अपन? तुर्किश, तुर्किश जंक्शन, तुर्किश जंक्शन में। बहुत भूख लगी अभी सच में। लाले करके क्या ये, इसको क्या बोलते भाई? क्या ये सिस्ता हो गया? सिस्ता खाने को ही अपने इंडियन कुछ ये समझ के भा रहे, अभी खा रहे अम्मा सिम्मा सब। ये देखो मटन सूप, मटन सूप ऐसा करा खीर है, ये अरबी अरबी स्टाइल में, ये अरबी स्टाइल में है मटन सूप। लेकिन लग रहा है खीर। ये देखो देखो क्लियर सूप बोलते हैं ये पीरी मटन सूप, लेकिन ये अपने समझ के भारी है। अपना कैसा घर में मस्त ठेसा, नहीं नहीं मटन उबालने में कांदा नमक गरम मसाला हल्दी वो डाल के सूप बना के पी लो, समझ में आता है। ये नए नए स्टाइल का अपने कुछ समझ में नहीं आता, कर लेना पड़ता है। अच्छा लग रहा है, खाए नहीं ना इसके लिए, और अपने ये समझ के बाहर है घर का सूप, सूप है भूख लगी इसलिए खा रहे हैं। तुर्किश पब नहीं क्या, तुर्किश सूप जो अपने पल्ले ही नहीं पड़ रहा, लेकिन तुर्किश जंक्शन नल्ली बर्रा इसको देख के पेट इसको देख के पेट भर गया जगह नल्ली बर्रा। लाले तुमको कैसा लगा देख के? मेरे को अच्छा लगा ना, लाले को इसको नल्ली बर्रा देख के। ये देखो ये है इस गरम मोर सब खाने का आइटम है। अपने ईरानी बूटी कबाब मैंने आ रहे थे। अभी तीसरा क्या है भाई? उसमें सलाद मलाई वाली अंदर क्या है? खा के देखो क्या है, कैसा कैसा खाना है? खाना क्या था? स्पेशल लाए तो बोलना, स्पेशल मंगाए तो क्या हुआ? स्पेशल मंगाए थे लेकिन नहीं, स्पेशल मंगाए तो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं हम लोग क्या मंगाए थे और क्या खा के गए थे। है ना इसे मेरी बहन नूरी के जैसी है देखो। और मंसिरा पर तो बकरे की खाल खींच लिया, पतला क्यों था बकरा पाया पतला क्यों था? लाले के हाथ में तो कहीं नहीं लग रहा था, वो तो कुत्ता ढूंढना पड़ रहा था। अभी नहीं बताओ अभी पतली पतली रिजवाना की तरह, रिजवाना की तरह था। और हम लोग जो खाना खाए मतलब जैसा क्या जैसा अरबी लोग का खाना कैसा रहता है वैसा सब अपने को तो चाहिए, तीखा तीखा चरा है ना दीदी, मस्त चटपटा ठेसा। ये सब होटल में हम लोग खाना खाने समझ में आता है, सब चोचले ही खा लिया है ना। तो अभी आई हुई मैं बांद्रा में हमारे वाइट के इधर ना लाले। हाँ वाइट भाई के मिलने आए, और मेरे सलमान भी इधर था, और लाले का फेवरेट भाई है। इसमें कोई शक नहीं है। और मंसूर पर क्या पहनने का? मैचिंग मैचिंग नहीं पहनने का, ऐसे ऐसे रुको पहनने का, पहनने का कॉन्ट्रास्ट का फ्लेक्शन होवे ना, जैसे ये देखो कितना कलर के ब्लू कलर का कान का है। अरे फातिमा अब्बा कान का देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हम लोग एक एक चीज अट्रैक्शन। और ये बटाटा वड़ा का चश्मा देखो, इसका चश्मा ही कपड़े के ऐसा बड़ा करते तो फटता है। हाँ और हम लोग कितने रात में देखो बैठे इधर बांद्रा में एकदम, और आए हम लोग अभी आए पिंकी के इधर, और मेरा सलमान इधर रुका था ना, सलमान फुलके इधर रुका था, मंगाए पिंकी को लेने। मैं पेरू इतना बड़ा दी थी पिंकी ने, खाते खाते मैं थक गई। देखो वाइट का बकरा मेसरी मिंडा वो ना गाइस, भीड़ बकरी मेंढा ये बाबा नाम है बाबा।
बांद्रा से वाइफ के पास सलमान था, तो उसको आने का था, तो उसको लेके निकल गए भी घर के लिए। पीछे लोग बैठे ले हेमा मालिनी लोग बहुत थकान लग गई थी। मंजिला पा बोरे सब है हमारे पास, है ना, जया प्रदा सब है हमारे पास, पूरी हीरोइन लोग अरे बाप रे बाप, देखो माँ को लेने की पासा वासू बना डाला, बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ा बाहर निकले, केजीएन ग्रुप पे सबको ज्वाइंट होना है। क्या बोले? इसके लिए तो सब लोगों को केजीएन ग्रुप पे ज्वाइंट होना है अभी, है ना, क्योंकि एक से बढ़ के एक हीरोइन है ना, वो भी हीरोइन बनना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस करने आ रही है। हम लोग ये भले बुढ़े लोग हैं तो क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन हमारे ग्रुप में जो भी रहता है वो जो दुखी भी रहता है ना वो खुश हो जाता है, खुश मिजाज हो जाता है, खुश मिजाज रहता है, मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, यही तो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है ना, ये बात तो है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। सही बात है, हंसते रहने का, हंसाते रहने का, खुश रहने का, सबको खुश रखने का। को मिला था ये अवार्ड उधर पे, मेन फंक्शन था तो गए थे, तो इधर स्पेशल अवार्ड मेरे को, अवार्ड ही बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, अवार्ड, अवार्ड, हाँ ये हम लोग को मिला था लाले को।